आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का मसालेदार। और इसको बनाने के लिए 500 ग्राम मैंने चिकन लिया है और इसको वॉश कर लिया है और एक नींबू का रस लिया है और इसमें डाल दिया है। तो इसको मैरिनेट करना है। मैं इसमें डाल दे रही हूँ नमक 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून मिर्च, तीखी वाली मिर्च लिया है, और 1/2 टीस्पून लिया है देगी मिर्च, और 1 पिंच कलर भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन अभी मैंने इसमें कलर नहीं डाला है। और 1/2 टीस्पून ले लिया है गरम मसाला, 1 टीस्पून लिया है जीरा पाउडर, और 2 टीस्पून लिया है मैंने कुटा हुआ लहसुन अदरक, और इसको भी इसमें डाल देंगे। और पेस्ट भी ले सकते हैं, मैंने कोट के डाल दिया है, और 2 चम्मच मैंने लिया है थीक दही, और इसके साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। चाट मसाला ले लिया है 1/2 टीस्पून, और सारे पीसेस में मैंने कट लगा दिया है, और हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको, और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख लेंगे। जब तक हम और अपने मसाले की तैयारी करेंगे तब तक यह मैरिनेट हो जाएगा, और इससे ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको रख दिया है अच्छी तरह से मसाला लगा कर, और 1 बड़े चम्मच से मैंने ऑयल डाल दिया है, और 1 बड़े साइज के प्याज को मैंने पेस्ट बना लिया है, और इसको इसमें डालकर भून लेंगे। मैं इसमें इसको डाल दिया मैंने, और इसका कलर चेंज हो जाए और प्याज का कच्चापन निकल जाए तब तक इसको हम भून लेंगे। और ये कलर इसका चेंज होने लगा है, अब ये भून गया। मैं इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दे रही हूँ, 2 चम्मच लिया है मैंने, और इसको थोड़ी देर चला लेंगे। और बाकी मसाले हमने इसी में डालना है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी जिससे कि मसाला अच्छी तरह भून जाए। और ये लहसुन के साथ भी भून गया है, और 1/2 टीस्पून नमक लिया है, और 1/2 टीस्पून हल्दी, और 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्च लिया है, और 1/2 टीस्पून देगी मिर्च लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और इसके साथ मसाले को भून लेंगे। अच्छी तरह से मसाला भून जाएगा और तेल छोड़ने लगेगा। 2 टमाटर लिया है और उसका पेस्ट बना लिया है मैंने, और इसके साथ भी इसको थोड़ा भून लेंगे। और 1 बाउल मैंने दही को फेंट लिया था और उसको भी इसमें डाल देंगे, इससे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे इसके साथ। ये अच्छी तरह से भून गया है और इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आए इसके लिए मैंने इसमें 1 चम्मच ले लिया है टोमेटो सॉस, और थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे, और इससे ग्रेवी का टेस्ट और कलर बहुत ही अच्छा बन जाता है। दही और टमाटर डालने से थोड़ा खट्टा हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें टोमेटो सॉस डाल देते हैं जिससे इसे बैलेंस हो जाए। तो ये अच्छा सा अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है इसकी। अब हम टिक्का बना लेते हैं और इसको एक साइड रख देते हैं। टिक्का बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है पैन में, और इसी में सारे पीसेस को रख देंगे, और इसको सारे पीसेस को डालकर 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। कवर कर देने से अच्छी तरह ऊपर तक चिकन सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने सारे पीसेस डाल दिया है और अब मैं इसको कवर कर दे रही हूँ, और इसको खोल कर देख भी लेंगे अगर उसमें पानी ज़्यादा है या कम है। तो इस थोड़ा सा पानी छोड़ा है क्योंकि इसमें पहले ही से पानी हमने ड्रेन कर लिया था, अच्छी तरह ड्राई कर लिया था। और इसको दोनों साइड से अच्छी तरह उलट कर सेक लेंगे अच्छी तरह से पक जाने तक, और इसका कलर चेंज हो जाए, अच्छा सा टिक्का वाला कलर आ जाए। तो ये कलर आ गया, और इसमें एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने एक कोयला गर्म कर लिया था, और इसमें 1/2 चम्मच ऑयल डाल दिया है और उसको कवर कर दिया है। वापस कढ़ाई मैंने रख दिया है इसमें गैस पे, और 1/2 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी भी डाल दिया है इसमें, और इसकी ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा पतली नहीं होती है, मैंने भी इसको ज़्यादा पतला नहीं रखा है। और इसमें सारे चिकन के जो हमने बना रखे हैं टिक्का, इसको डाल देंगे, और अच्छी तरह से चलाकर इसको 6-7 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे जिससे ये अच्छी तरह से दम पे टेस्ट आ जाए मसाले में। और ये अच्छी तरह से हमारा तैयार हो गया है, और इसमें मैंने हरी धनिया और पुदीना के कुछ पत्ते काट के डाल दिया है, और ये हमारा चिकन टिक्का अच्छी तरह से तैयार हो गया है। और इसकी ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, पतली होने से टिक्का वाला टेस्ट नहीं आएगा, तो इसको ज़्यादा पतला नहीं रखें। और ये हमारा चिकन टिक्का मसालेदार तैयार हो गया है, और इसको हम पुलाव, चपाती और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर कुछ कोरमा से अलग बनाना हो तो इसको बनाएं, जो बहुत ही टेस्टी बना है, और इसको हमने तंदूरी रोटी के साथ सर्व किया है। हम भी इसको अपने घर में बनाइए,
और ये आपको बहुत पसंद आएगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए।